हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी क्लास ट्वेल्थ की फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 4 द रैट्रैप को। इसकी ऑथर हैं सेल्मा लेगरलॉफ। ये जो ऑथर हैं ये एक स्वीडिश राइटर हैं और इनकी जो स्टोरीज होती हैं वो हमेशा एक ही थीम के अराउंड रिवॉल्व करती है और हमारी ये स्टोरी द रैट्रैप भी इसी थीम पर बेस्ड है, जो कि है द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। मतलब हम लव से, केयर से, सामने वाले की सिचुएशंस को समझने से एक इंसान में एक एसेंशियल गुडनेस, यानी जो हर इंसान के अंदर जो गुडनेस होती है, जो अच्छाई होती है, उसे हम जगा सकते हैं और उसे बाहर ला सकते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ऑथर सबसे पहले हमें एक आदमी का इंट्रोडक्शन देती है जो कि एक रैट्रैप सेलर होता है। उसके इस चैप्टर में कई सारे नाम दिए गए हैं, जैसे कि पैडलर, वेगाबॉन्ड, जिसे हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले ऑथर हमें बताती हैं कि एक आदमी होता है जो कि रैट ट्रैप्स बनाता है वायर के और उन्हें सेल करता है, और वो जो आदमी होता है वो इतना कोई प्रोफेशनल भी नहीं होता है, वो अपने आप से ही उन रैट ट्रैप्स को बनाता है और वो उन्हें काफ़ी ऑड तरीके से बनाता है, मतलब इतने अच्छे से भी नहीं बनाता है। वो जो मटेरियल यूज़ करता है उन रैट ट्रैप्स को बनाने के लिए, वो उसे या तो बैक करता है यानी भीख मांग कर लाता है स्टोर्स में से, या फिर किसी बिग फार्म्स में से जाकर लेकर आता है। पर फिर भी उसका जो बिजनेस होता है वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होता है, उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है रैट ट्रैप सेल करने से। तो इसीलिए वो रिजॉर्ट करता है, मतलब डिपेंड करता है बैगिंग पे और पेटी थीवरी पे, मतलब भीख मांगने पर और छोटी छोटी चोरियां करने पर, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो इस लाइन में ऑथर बताना चाहती है कि वो चोरी करता है और भीख मांगता है ताकि वो अपनी बॉडी और अपने सोल को, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारी डेथ हो जाती है तो हमारी जो सोल होती है, ऐसा कहा जाता है, वो हमारी बॉडी से अलग हो जाती है। तो यहीं पर ऑथर ये कहना चाहती है टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर से, कि वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता था जिंदा रहने के लिए। और साथ ही में जो वो क्लोथ्स पहनता था वो बिल्कुल फटे पुराने कपड़े होते थे, उसके जो चीक्स होते हैं वो बिल्कुल अंदर धस गए होते हैं माल न्यूट्रिशन के कारण, और जो हंगर होती है, जो भूख होती है, वो बिल्कुल उसकी आंखों में देखी जा सकती है। इसके बाद ऑथर हमें बताती हैं कि हम में से कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता है कितनी सैड और कितनी मोनोटोनस लाइफ होती है उस वेगाबॉन्ड की, यानी कितनी दुख भरी और कितनी रिपीटेटिव, जिसमें कोई भी कुछ भी एक्साइटिंग नहीं होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही चल रही होती है उसकी लाइफ। और वेगाबॉन्ड का मतलब होता है एक होमलेस इंसान जो कि सड़कों पर रहता है क्योंकि उसका कोई भी घर नहीं होता है। इसके बाद ऑथर बताती हैं कि ये जो वेगाबॉन्ड होता है, ये जो रैट्रैप सेलर होता है, वो ऐसे ही रोड्स पर घूमता रहता है और वो काफ़ी अकेला रहता है, इसलिए वो अलग अलग चीज़ें सोचता रहता है। और ऑथर हमें बताती हैं कि एक दिन ऐसा ही एक थॉट उनके दिमाग में आता है और वो थॉट उन्हें काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है, और ये थॉट उनके दिमाग में नेचुरली आता है जब वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहे होते हैं। और एकदम से वो सोचने लग जाते हैं कि ये जो पूरी वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप है। वो कहते हैं द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ये जो पूरी दुनिया है, इसके जो सारे लैंड्स हैं, इनकी सारी जो जमीनें हैं, जो इनके सारे सीज हैं, जो सारे समुद्र हैं, जो सिटीज हैं, जो विलेजेस हैं, सभी एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। इसके बाद वो कहते हैं इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोदिंग exactly as a rat trap offers cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. तो यहाँ पर वो कहते हैं इस वर्ल्ड में जो भी एग्जिस्ट करता है, ये जो लैंड्स है, ये सीज है, सिटीज है, जो विलेजेस है, ये सब एक rat trap है, और ये इसीलिए एग्जिस्ट करती है ताकि अपने पर्पस को पूरा कर सके, जो कि है बेट्स को लगाना, यानी जो rat trap के अंदर जो चीज लगी हुई होती है एक rat को टेम्प्ट करने के लिए, एक रैट को अपनी तरफ खींचने के लिए, उस चीज़ को बेट कहा जाता है। और ये सब जो चीज़ें हैं ये भी एक बेट की तरह काम करती है इंसानों के लिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंसानों को रिचेस, जॉयस, मतलब वेल्थ, पैसे, खुशी, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लोदिंग, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें एज अ बेट ऑफर करती है इंसानों को, उसी तरह जैसे कि एक रैट ट्रैप चीज़ और पोर्क ऑफर करता है एक रैट को। पोर्क एक टाइप का मीट होता है, और जैसे ही एक इंसान इन बेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और इन्हें टच करता है तो ये जो ट्रैप है ये क्लोज हो जाता है और फिर सब खत्म हो जाता है। ऐसा ये इसलिए कहते हैं कि जैसे कि एक रैट बेट से अट्रैक्ट होकर एक ट्रैप में आता है और उसमें फंस जाता है, उसी तरह जो इंसान है वो भी इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही वो इस बेट को टच करते हैं, मतलब जैसे ही उन्हें इन सब चीज़ों की आदत लगती है, इन रिचेस की,
इन्जॉयज की, वो इन्हीं चीजों में फंस के रह जाते हैं और इसके बाद वो अपनी लाइफ भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि ये जो रैट्रैप सेलर है या ये जो वेगाबॉन्ड है वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि जो वर्ल्ड है वो उसके लिए कभी भी काइंड नहीं थी, मतलब क्योंकि वो एक पेडलर था, वो काफी गरीब था, इसलिए जो ये वर्ल्ड है वो कभी भी काइंडनेस शो नहीं करती थी उस पेडलर के लिए, उस रैट्रैप सेलर के लिए। तो इसलिए बहुत ही कॉमन था उस पेडलर के लिए या उस रैट्रैप सेलर के लिए ये सोचना कि ये कितनी बेकार जगह है, और वर्ल्ड के बारे में बुरा बुरा सोचना ये उसके लिए एक हैबिट बन चुकी थी और ये उसका फेवरेट टाइम पास था। जब भी वो काफी देर तक सड़कों पर घूमता रहता था और वो इसी बारे में सोचता रहता था और ऐसे ही लोगों के बारे में सोचता था जिसे वो जानता था, और वो इस टाइप के रैट ट्रैप में फंस चुके थे। बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, स्नेयर का मतलब होता है एक ट्रैप या एक फंदा, तो वो इन्हीं लोगों के बारे में सोचता था जो इस ट्रैप में फंस चुके थे या फिर वो इस बेट या इस लालच के अराउंड ही सर्कल कर रहे थे और बहुत जल्दी इस ट्रैप में फंसने वाले थे। इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि एक डार्क इवनिंग में, मतलब जब अंधेरा हो गया था शाम को, तब जो पेडलर होता है वो रोड के साइड में ट्रजिंग, मतलब काफी मुश्किल से चल रहा होता है, और तभी उसकी नजर पड़ती है एक लाइट ग्रे कॉटेज पे, मतलब एक लाइट ग्रे कलर के छोटे से घर पे जो कि रोड साइड पर था। तो वो उस कॉटेज पर जाता है और उसके डोर को नॉक करता है ताकि वो उस कॉटेज के मालिक से पूछ सके कि वो क्या उस रात को वहां पर रह सकता है या नहीं। पर फिर एक बहुत स्ट्रेंज चीज होती है कि वो जो कॉटेज में जो आदमी होता है वो उसे रिफ्यूज नहीं करता है, वो उसे मना नहीं करता है वहां पर रहने से। यूजुअली जो पेडलर है उसे सोर फेसेस, मतलब बहुत ही एंग्री फेसेस देखने की आदत थी जब भी वो ऐसे किसी से भी पूछता था, पर वो जो आदमी था वो एक्चुअल में एक बूढ़ा आदमी था जिसकी कोई भी वाइफ या कोई भी बच्चे नहीं थे, और वो काफी खुश था किसी को देखकर जिससे वो बात कर सके अपनी लोनलीनेस में, तो इसीलिए वो उस पेडलर को वहां पर रहने देता है। और फिर वो आदमी जल्दी से जाकर पॉरेज डालता है एक पॉट में। पॉरेज का मतलब होता है एक थिक सूप टाइप की कोई डिश होती है जिसे ग्रेन से बनाया जाता है, और वो उस पॉट को फिर फायर पे रख देता है, और वो फिर उस पेडलर को सपर ऑफर करता है, मतलब एक लाइट डिनर ऑफर करता है, और फिर वो एक टबैको रोल में से एक स्लाइस काटता है अपने और स्ट्रेंजर के लिए ताकि वो दोनों स्मोक कर सकें, और उसके बाद वो एक पैक ऑफ कार्ड्स भी निकालता है और फिर वो मिजोलिस खेलते हैं, मतलब एक कार्ड का कोई गेम होता है उसे वो खेलते हैं जब तक रात को सोने का समय नहीं हो जाता है। और साथ ही में ऑथर हमें ये भी बताती हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी था उस कॉटेज में वो जितना जनरस था उस पेडलर को डिनर ऑफर करने में और टबैको ऑफर करने में, वो उतना ही जनरस था उसे अपने कॉन्फिडेंसेस, मतलब अपने सीक्रेट्स बताने में। वो उस पेडलर को बताता है कि इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, मतलब जब वो जवान था और उसके काफी अच्छे दिन चल रहे थे, तब वो एक क्रॉफ्टर था राम्स जो आयरन वर्क्स में, मतलब जो राम्स जो आयरन वर्क्स है वहां पर वो काम करता था और वो क्रॉफ्टर की पोस्ट पे था, और क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है और वो डे लेबर नहीं कर सकता है, मतलब वो पूरे दिन तक काम नहीं कर सकता है, तो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उसकी काव है, उसके पास एक गाय है, और वो ये भी बताता है कि उसकी जो काव है वो भी काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, काफी अलग है, वो अकेले ही इतना दूध दे देती है कि वो उसे क्रीमरी में जाकर बेच सकता है, मतलब जहां पर दूध प्रोसेस होता है वहां पर जाकर बेच सकता है, और पिछले ही महीने उसने अपना पेमेंट रिसीव किया था वहां से जो कि था 30 क्रोनोर्स का। और जब ओल्ड मैन ये सब चीजें उन्हें बताते हैं तब जो स्ट्रेंजर होता है या जो पेडलर होता है वो काफी इनक्रेडुलस लग रहा था, मतलब उनके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे थे जैसे कि उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है उस बूढ़े आदमी की बातों पे। तो इसीलिए जो वो ओल्ड मैन होता है वो विंडो के पास जाता है जहां पर उसने एक लेदर पाउच में अपने 30 क्रोनोर्स रखे होते हैं, उस लेदर पाउच को उतारता है विंडो फ्रेम से और उसमें से अपने 3 10 क्रोनोर्स के नोट को, क्रोनोर्स वहां की जो करेंसी है वो है, वो 3 10 क्रोनोर्स के नोट्स को निकालता है और वो पेडलर की आंखों के सामने उसे दिखाता है नॉडिंग नोइंगली, मतलब वो नोट्स को उनकी आंखों के सामने ऐसे शेक करता है और फिर वो वापस उन 3 नोट्स को उस पाउच में स्टफ कर देता है, मतलब ठूस देता है और वहां पर वो वापस उसे लगा देता है। इसके बाद अगले दिन जब दोनों आदमी सुबह उठते हैं तब काफी अच्छा मौसम होता है और जो क्रॉफ्टर होता है, मतलब जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो काफी जल्दी में होता है क्योंकि उसे अपनी काउ का मिल्क निकालने जाना था, और जो पेडलर होता है वो भी सोचता है कि जब इस घर का ओनर ही इस घर से बाहर जा रहा है तो उसका यहाँ पर रहना भी ठीक नहीं होगा, तो इसीलिए वो भी अपने बेड से उठ जाता है और जो ओल्ड मैन
और जो पेडलर होते हैं वो साथ में ही घर को छोड़ते हैं, और इसके बाद जो क्रॉफ्टर या जो ओल्ड मैन होता है वो उस घर को लॉक कर देता है और अपने साथ उस घर की कीज को लेकर चला जाता है। और रैट्रैप भी वहां से उसे गुड बाय और थैंक यू कहकर चला जाता है। पर कुछ आधे घंटे के बाद वो जो रैट्रैप पेडलर होता है वो वहां पर आता है और उस घर के गेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता है पर वो सिर्फ विंडो के पास जाता है, स्मैश्ड अ पेन मतलब जो ग्लास का पेन होता है उस विंडो पे, मतलब जो ग्लास की विंडो होती है उसे वो तोड़ता है, उस पेन को अपने हाथ को अंदर डालता है और वो उस पाउच को उठा लेता है जिसमें 30 क्रोनोट्स पड़े हुए थे, और वो 30 क्रोनोट्स को अपने पास ले लेता है और अपनी पॉकेट में थ्रस्ट कर देता है, यानी अपनी पॉकेट में डाल लेता है, और उस पाउच को वापस वहां पर जैसे वो लटक रहा था वैसे ही वो उसे लटकाकर वहां से जल्दी से चला जाता है। और जब वो वहां से जा रहा होता है और उसकी पॉकेट में मनी यानी वो 30 क्रोनोट्स पड़े हुए होते हैं, तब वो काफी प्लीज्ड लग रहा होता है अपनी स्मार्टनेस से, मतलब वो काफी खुश लग रहा होता है और वो सोचता है कि वो कितना स्मार्ट है। और जब वो जा रहा होता है तब वो ये भी सोचता है कि वो पब्लिक हाईवे से नहीं जाएगा क्योंकि हो सकता है कि वहां पर कोई उसे पकड़ ले, तो इसीलिए वो रोड से उतर जाता है और फिर वुड्स की तरफ चला जाता है, मतलब जंगल की तरफ चला जाता है। दिन की शुरुआत में मतलब जो पहले के कुछ घंटे थे जब वो फॉरेस्ट में जाता है तब तो उसे कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है, कोई भी परेशानी नहीं होती है, पर जैसे जैसे दिन बीतता जाता है उसकी हालत बद से बदतर होती जाती है। वो जो फॉरेस्ट में वो गया होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चले यानी एक फिक्स्ड पाथ ही फॉलो करे, पर वो जो फॉरेस्ट में जो रास्ते थे वो काफी ज्यादा ट्विस्टेड थे और बहुत ही अजीब थे, बहुत ही स्ट्रेंज थे। और वो चलता जाता है और वो फॉरेस्ट जो है वो कभी खत्म ही नहीं होता है उसके लिए। और फिर वो रियलाइज करता है कि इस फॉरेस्ट के रास्ते इतने अजीब हैं कि वो इतनी देर से जो चल रहा है वो वापस उसी जगह पर आ गया है जहां पर वो कुछ देर पहले उस फॉरेस्ट में था, मतलब वो एक ही एरिया में घूम रहा है उस फॉरेस्ट के, और अब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया है। और तभी एकदम से वो रिकॉल करता है अपने थॉट्स को, मतलब उसे अपने थॉट्स ही याद आते हैं जो वो सोचता था इस वर्ल्ड के बारे में और रैट्रैप के बारे में, और जैसा वो दूसरे आदमियों के बारे में सोचता था वो अब सोचता है कि अब उसकी भी बारी आ गई है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, मतलब अब वो खुद भी उस बेट मतलब वो खुद भी उस लालच में फंस गया है, और अब ये जो पूरा फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के जो ट्रंक्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, जो थिकेट्स हैं, जो फॉलन लॉग्स हैं, मतलब जो भी पेड़ हैं, जो उन पेड़ों की ब्रांचेस हैं, जो टूटी हुई लकड़ियां हैं या जो टूटे हुए पेड़ हैं, जो थिकेट्स हैं, मतलब जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो बहुत सारे जब होते हैं, यानी एक डेंस कवर ऑफ स्मॉल ट्रीज, वो जो थिकेट्स हैं, वो पेडलर को ऐसा लगता है कि उन सभी चीजों ने उसे कैप्चर कर लिया है, उसे अपने अंदर बंद कर लिया है, और वो उसे एक इम्पेनेट्रेबल प्रिजन यानी इनएस्केपेबल प्रिजन यानी एक ऐसी जेल जिसमें से वो बाहर भी नहीं निकल सकता है, एक ऐसे ट्रैप में वो फंस गया है। इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि ये लेट दिसंबर का टाइम था, मतलब जब दिसंबर का आखिरी का टाइम होता है ये वो टाइम था, और क्योंकि अब काफी शाम हो चुकी थी तो जो फॉरेस्ट है उसमें भी अंधेरा छाने लग गया था, और वहां पर अब उस पेडलर के लिए खतरा भी बढ़ता जा रहा था उस जंगल में, क्योंकि वहां पर जो दूसरे एनिमल्स हैं उनका भी काफी डेंजर रहता है, और वो जो डार्कनेस होती है, जो अंधेरा होता है उस फॉरेस्ट में, इसके कारण जो उसका ग्लूम और डिस्पेयर होता है वो भी बढ़ने लग जाता है, मतलब उसकी जो उदासी होती है और उसकी जो होपलेसनेस है वो भी बढ़ने लग जाती है। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, मतलब वो जमीन पर गिर जाता है और वो इतना ज्यादा थक चुका होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी डेथ बहुत ही करीब है उसके, और वो सोच रहा होता है कि अब ये शायद उसका लास्ट मोमेंट है। पर जैसे ही उसका सर ग्राउंड को टच करता है उसे साउंड सुनाई देता है, और वो जो साउंड होता है वो काफी हार्ड होता है, रेगुलर थम्पिंग के जैसे, मतलब रेगुलरली कोई किसी चीज को बीट कर रहा होता है, ये उस टाइप का साउंड होता है। और वो जैसे ही उस साउंड को सुनता है उसे कोई भी डाउट नहीं होता है, और वो एक बार में ही समझ जाता है कि ये हैमर स्ट्रोक्स की आवाज़ है आयरन मिल से, मतलब जो आयरन मिल होती है जहाँ पे आयरन प्रोसेस होता है, तो जब हम हैमर को मारते हैं आयरन पे तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये वो साउंड है। और इसीलिए वो सोचता है कि अगर यहाँ पर कोई आयरन मिल है और कोई वहाँ पर काम कर रहा है तो ज़रूर यहाँ पर कुछ लोग भी होंगे, तो इसीलिए वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करता है, समन करता है, वो वहां से उठता है और स्टैगर करते हुए जाता है जहां से वो आवाज आ रही होती है, मतलब काफी मुश्किल से, काफी अनइवन मूवमेंट में, मतलब उसे काफी दिक्कत हो रही होती है चलने में, पर फिर भी वो साउंड के डायरेक्शन में जाता है। इसके बाद अब ऑथर हमें राम्स जो आयरन वर्क्स के बारे में बताती है, वो कहती है कि अभी तो ये जो मिल है, ये जो आयरन वर्क है,
ये तो बंद हो चुकी है, पर उस टाइम पे जिस टाइम की ये स्टोरी वो हमें बता रही है, उस टाइम पर ये जो आयरन वर्क था एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, जिसमें एक स्मेल्टर, एक रोलिंग मिल और एक फोर्ज होती है। स्मेल्टर का मतलब वो होता है जब हम बिल्कुल रॉ आयरन को, जैसे कि हम स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर वो उसे स्मेल्टर में डालते हैं, मतलब उसमें वो उसे काफ़ी इंटेंस हीट पर गलाते हैं और उससे आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे स्मेल्टर कहते हैं। रोलिंग मिल मतलब जो स्मेल्टर से एक्सट्रैक्ट होता है आयरन, वो उसे शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो शीट्स में कन्वर्ट जहाँ पर होती है उसे रोलिंग मिल कहा जाता है। और वहाँ पर एक फोर्ज भी होती है, फोर्ज मतलब एक फर्नेंस या फिर एक भट्टी, जहाँ पर उस रोलिंग मिल से निकलने वाली जो शीट्स होती हैं आयरन की, उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताती हैं कि जब गर्मियों का टाइम होता है, जो समर टाइम होता है, तब वहाँ पे बहुत सारी हेवीली लोडेड बार्ज एंड स्काउस आती हैं। बार्ज एंड स्काउस बोट्स होती हैं जिनमें वो रॉ मटेरियल्स और दूसरी चीजें उस आयरन मिल्स में आती हैं, और ये बोट्स कैनाल से होते हुए आती है, जो कि एक लार्ज इनलैंड लेक, एक बहुत बड़ी लेक से जुड़ी हुई होती है। और जब विंटर टाइम होता है, समर के टाइम में तो जो बोट्स होती हैं उससे गुड्स का आना जाना होता है, और जब विंटर टाइम होता है, जब ये सारी लेक्स वगैरह जम जाती है, तब रोड्स का यूज होता है सारे मटेरियल्स को लाने और उन्हें ले जाने के लिए। तो इसीलिए जो मिल के आसपास के सारे रोड्स होते हैं वो सभी ब्लैक हो जाते हैं बिल्कुल कोल डस्ट के कारण, जो कि उन बड़े बड़े कंटेनर्स या बड़े बड़े ट्रक्स में पड़े हुए चारकोल क्रेट्स, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है, जो चारकोल के बड़े बड़े क्रेट्स होते हैं, उसमें से सिफ्टेड, मतलब उसमें से छन छन कर जो गिरते हैं। जैसा कि हमने देखा है, जब एक रेत का ट्रक जा रहा होता है तो उस ट्रक से थोड़ी थोड़ी रेत बाहर गिरती रहती है, उसी तरीके से ये जो चारकोल है ये भी बाहर गिरता है रोड्स पे, और जो रोड्स होते हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। इसके बाद ऑथर वापस कंटिन्यू करती है स्टोरी को, और वो बताती है कि उस इवनिंग को, जो कि जस्ट एक दिन पहले होती है क्रिसमस को, ये वो वाली इवनिंग थी, और जो उस मिल में मास्टर स्मिथ होता है, मतलब जो मेन आयरन वर्कर होता है, जो मास्टर होता है वहां पर, वो अपने हेल्पर के साथ वहां पर बैठा हुआ होता है उस फोर्ज में, वहां पर ही एक जल रही भट्टी के पास में, जब वो वेट कर रहे होते हैं पिग आयरन का। पिग आयरन बेसिकली रॉ मटेरियल होता है, जो इम्प्योर फॉर्म होता है आयरन का। जब वो उसके लिए वेट कर रहे होते हैं, जब वो पिग आयरन को भट्टी में डाल देते हैं और उसको प्रोसेस होने का वेट कर रहे होते हैं, जो कि एनविल पर रखने के लिए तैयार हो रहा होता है। एनविल बेसिकली एक बहुत बड़ा आयरन का पीस होता है, जिसकी हेल्प से हम गरम आयरन को हथौड़े से मारकर उसे शेप देते हैं। और जब वो पिग आयरन फायर में पड़ा हुआ होता है, तब थोड़ी थोड़ी देर में उस मास्टर स्मिथ और उस हेल्पर में से एक एक करके वो जाते हैं और एक बड़े से आयरन बार की हेल्प से स्टिर करते हैं, मतलब हिलाते हैं उस ग्लोइंग मास को, मतलब वो जो पिघला हुआ आयरन होता है उसको वो हिलाते हैं, और फिर थोड़ी थोड़ी देर में वापस आकर वहीं पर बैठ जाते हैं। और वो इतना टफ प्रोसेस होता है कि जब वो वापस आते हैं, तब वो बिल्कुल ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन, मतलब वो बिल्कुल पसीने में डूबे हुए होते हैं। वो इतना टफ प्रोसेस होता है, और वो जो आयरन स्मिथ और वो जो वर्कर होता है, जैसा कि वहां का कस्टम था, उन दोनों ने एक लॉन्ग शर्ट पहनी हुई होती है और वुडन शूज पहने हुए होते हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि वो जो फोर्ज थी, वहां पर बहुत सारे साउंड्स एक साथ आ रहे होते हैं, जैसे कि बिग बेलोज ग्रोंड। बेलो वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम बहुत ही प्रेशर से हवा को आगे फेंकते हैं, जिससे आग को जलने में हेल्प मिलती है। उसके बाद वहां पर बर्निंग कोल का साउंड होता है, कि जब कोल जल रहा होता है तो उसमें से जो क्रैक करने की आवाज आती है, जो उसके जलने की आवाज होती है, वो भी वहां पर होती है। उसके बाद जो फायर बॉय होता है, वो चारकोल को फर्नेस के मुंह में डाल रहा होता है, उसकी भी काफी ज्यादा आवाज आ रही होती है। और उस फोर्ज के पास में एक वाटरफॉल भी होता है, तो उसकी भी काफी ज्यादा आवाज होती है, और साथ ही में वहां से नॉर्थ विंड भी पास हो रही होती है, तो उसकी भी काफी शार्प वॉइस होती है। और इसके बाद वहां पर बारिश भी पड़ रही होती है, और उस फोर्ज की जो रूफ थी, मतलब जो छत थी, वो ब्रिक टाइल्ड थी, मतलब जो ब्रिक्स की टाइल से बनी हुई थी, तो उस पे जब बारिश पड़ रही थी उसकी भी काफी जोरों से आवाज हो रही थी। और इतनी सारी आवाजों के कारण जो मास्टर ब्लैकस्मिथ होते हैं, वो नोटिस ही नहीं करते हैं कि कब वो जो पेडलर होता है वो उस फोर्ज का गेट खोलता है और उस फोर्ज के अंदर आ जाता है, और वो ब्लैकस्मिथ उसको तब तक नोटिस ही नहीं करते हैं जब तक वो काफी ज्यादा पास में आकर खड़ा हो जाता है फर्नेंस के, उस भट्टी के। पर ये उस ब्लैकस्मिथ के लिए बिल्कुल ही यूजुअल था, ऐसा कुछ नई बात नहीं थी कि जो पुअर वेगाबॉन्ड्स होते हैं, मतलब जो होमलेस लोग होते हैं, वो रात को इस फोर्ज की तरफ अट्रैक्ट
होकर आ ही जाते हैं कि वो वहां पर शेल्टर ले सके एक रात के लिए। वहां पर जलती हुई लाइट को देखते हैं जब वो इस फॉरेस्ट के बीच में सूदी पेंस के थ्रू, सूदी पेंस मतलब जो विंडोज होती है उस फोर्ज की, वो चारकोल के डस्ट के कारण बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। तो वहां पर पेडलर जैसे बहुत सारे होमलेस लोग वहां पर आ जाते हैं और फोर्ज के सामने आ जाते हैं क्योंकि वो विंटर का टाइम होता है, ताकि वो अपने आपको गर्म कर सके, इसलिए वो वहां पर फायर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और जो ब्लैकस्मिथ होता है वो काफी कैजुअली उसे देखता है, और वो जो पेडलर होता है वो भी बिल्कुल उन लोगों जैसा ही दिख रहा होता है। उसकी भी एक लॉन्ग बियर्ड होती है जो काफी डर्टी होती है, उसने रैग्ड क्लोथ्स पहन रखे होते हैं, काफी फटे पुराने कपड़े पहन रखे होते हैं, और हाँ उसके गले में एक बंच ऑफ रैट्रैप्स, मतलब काफी सारे जो उसके वायर के रैट्रैप्स थे वो भी टंगे हुए होते हैं। और जब वो पेडलर वहां के ब्लैकस्मिथ से परमिशन मांगता है वहां पर रुकने की, तब वो जो ब्लैकस्मिथ होता है वो नॉड करता है, मतलब उसे हाँ तो कहता है, पर वो काफी हॉटी कंसेंट होता है, मतलब काफी एरोगेंट, काफी एंग्री, बिल्कुल भी बिना रिस्पेक्ट के वो अपने सर को हिलाता है और उसे हाँ कह देता है, और इसके साथ ही वो एक शब्द भी नहीं कहता है उस पेडलर को। और इसके बाद वो जो ट्रैम्प होता है, ट्रैम्प मतलब वो पेडलर का ही एक और नाम है इस चैप्टर में, और वो जो पेडलर या वो जो ट्रैम्प होता है वो भी कुछ नहीं कहता है, और वो भी वहां पर उस ब्लैकस्मिथ से बात नहीं करने आया होता है, वो तो वहां पर अपने आप को वार्म करने आया होता है क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है और वहां पर वो सोने के लिए आता है। इसके बाद हमें ऑथर बताती है कि जो राम्स जो आयरन मिल्स होती है वो उस टाइम पर एक प्रोमिनेंट, एक बहुत ही बड़े आयरन मास्टर के अंडर होती है, और उस आयरन मास्टर का एक ड्रीम होता है, एक एम्बिशन होता है कि वो मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन सप्लाई करे, और वो उस आयरन मिल में आता जाता रहता है दिन में और रात में भी, और चेक करता है कि जो वर्क है, वो जो काम है, वो अच्छे से अच्छा वहां पर हो रहा है या नहीं। और इसी तरीके से कुछ ही देर बाद वो आयरन मास्टर वहां पर आता है अपने नाइट राउंड के इंस्पेक्शन पे, मतलब रात को वो इंस्पेक्ट करने जब आता है, और जैसे ही वो उस आयरन मिल में एंटर करता है तो जो पहली चीज वो देखता है वो एक रैग मफिन होता है, मतलब रैग क्लोथ्स या जो डर्टी क्लोथ्स उस पेडलर ने पहने हुए होते हैं वो उन्हें देखता है, और वो देखता है कि वो जो पेडलर होता है वो वहां पर सोया हुआ होता है, और वो फर्नेंस के इतने पास में सोया हुआ होता है कि उसके जो वेट क्लोथ्स होते हैं या जो वेट रैग्स होते हैं, क्योंकि बाहर बारिश पड़ रही होती है, उसमें से स्टीम निकलना स्टार्ट हो जाती है गर्मी के कारण। और जो आयरन मास्टर होता है जो वहां पर आता है वो ब्लैकस्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करता है, मतलब जो ब्लैकस्मिथ होता है वो बिना डिग्निटी के उस स्ट्रेंजर को ट्रीट करता है, आयरन मास्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। वो उसके पास में जाता है, उसे बहुत ध्यान से देखता है, और वो उसके चेहरे को देखने के लिए उसके फेस से उसकी जो स्लाउच हैट होती है, मतलब एक टाइप की हैट होती है, वो उस हैट को उसके फेस से हटाता है, और जैसे ही वो उसका फेस देखता है वो कहता है, बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलाफ, हाउ यू डू लुक। मतलब जो आयरन मास्टर होता है वो मिस इंटरप्रेट कर लेता है, वो उसे एक दूसरा आदमी समझ लेता है, वो उस पेडलर को नील्स ओलाफ समझ लेता है, और वो उसे पूछता है कि अब तुम कैसे लग रहे हो। और वो जो पेडलर होता है, वो जो रैट्रैप सेलर होता है, उसने उस आयरन मास्टर को, जो राम्स जो आयरन मिल का आयरन मास्टर होता है, उसे पहले कभी देखा तक नहीं होता है और उसका नाम भी नहीं जानता होता है, पर वो सोचता है कि जब ये फाइन जेंटलमैन, ये इतने अच्छे इंसान है, ये अगर सोच रहे हैं कि मैं इनका पुराना एक्विंटेंस हूँ, यानी इनका कोई पुराना साथी हूँ, तो हो सकता है कि ये मुझे कुछ क्रोनोर्स दे दें या कुछ पैसे दे दें, तो इसीलिए वो आयरन मास्टर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता है, और वो कहता है यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, यानी वो कहता है कि भगवान ही जानता है कि मेरे साथ कितनी बुरी चीजें हुई है। तभी जो आयरन मास्टर होता है वो कहता है यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें अपनी जो रेजिमेंट होती है उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायद जो आयरन मास्टर है वो रेजिमेंट में थे, मतलब एक मिलिट्री यूनिट की एक पोस्ट में थे, और वो फिर वापस से आयरन मास्टर कहते हैं दैट वॉज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड, वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। यानी वो कहते हैं कि जरूर मेरे रेजिमेंट को छोड़ने के बाद ही तुमने भी रेजिमेंट से रिजाइन कर लिया होगा, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, और अगर मैं वहां पर उस टाइम पर होता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देता, पर अब जो हो गया है वो ठीक है, तुम मेरे साथ अब मेरे घर तो चलोगे ही ना। और ये जो आयरन मास्टर का ऑफर होता है कि वो उनके मेनर हाउस, मतलब उनके जो बहुत बड़ा जो उनका घर था वहां पर वो जाएं, और वहां पर वो एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड उनका उस घर में स्वागत करें, ये आइडिया उस ट्रैम्प को, उस पेडलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इसीलिए वो कहता है नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट,
वो कहता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ, और ये कहते हुए वो काफी शॉक्ड लग रहा होता है, काफी अलार्म्ड लग रहा होता है, काफी चौकन्ना लग रहा होता है। उस टाइम पर वो पेडलर अपने 30 क्रोनोर्स के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि अगर मैं इनके घर में इनके साथ जाऊंगा तो ये तो वही बात हो जाएगी कि मैं वॉलेंटियरली, यानी मैं खुद से ही अपने आप को एक लॉयंस डेन में, मतलब एक शेर की गुफा में अपने आप को खुद ही फेंकने जैसी सिचुएशन हो जाएगी। मतलब हो सकता है कि वो वहां पर जाकर फंस जाएं अपनी चोरी के कारण। और वो कहते हैं कि वो तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि वो यहाँ पर फोर्ज के सामने आज की रात को सिर्फ वहां पर सो सके। और वो सोचते हैं कि अगले ही दिन वो धीरे से वहां से स्नीक, मतलब बिल्कुल चुपके से वहां से निकल जाएंगे, इनकॉन्स्पिशियसली, मतलब बिना किसी के ध्यान को अट्रैक्ट करते हुए बिल्कुल शांति से वहां से निकल जाएंगे। ये चीज वो पेडलर सोच रहा होता है, पर जो आयरन मास्टर होता है वो सोचता है कि शायद ये जो आदमी है ये काफी ज्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहा होगा, काफी ज्यादा उसे शर्म आ रही होगी क्योंकि उसने काफी मिजरेबल क्लोथ्स पहन रखे थे, काफी बुरे कपड़े पहन रखे थे, तो इसके कारण शायद उसे मेरे घर में आने से शर्म आ रही होगी। तो अब वो आयरन मास्टर कहते हैं, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैनॉट शो योरसेल्फ देयर। मतलब वो उस पेडलर को कन्विंस करते हुए कहते हैं कि मेरा घर इतना कोई बड़ा और इतना कोई आलीशान घर नहीं है कि तुम वहां पर अपने आप को लेकर नहीं जा सकते हो। वो कहते हैं कि जो एलिजाबेथ है, उनकी जो वाइफ है, उनकी डेथ हो चुकी है, उनके जो बेटे हैं वो अब्रॉड पढ़ने गए हैं या वो अब्रॉड में रहते हैं, और उस घर में उनके अलावा सिर्फ उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी वो ही रहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि वो दोनों अभी ही डिस्कस कर रहे थे कि ये कितनी बुरी बात है कि इस क्रिसमस पे हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो इसीलिए तुम हमारे साथ चलो एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर। मतलब तुम भी हमारे साथ चलो और जो क्रिसमस पे हम फीस्ट बनाएंगे, हम जो खाना बनाएंगे उसे खत्म करने में हमारी मदद करो। तो ऐसा कहकर वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे उस पेडलर को। पर वो जो स्ट्रेंजर होता है, यहाँ पर स्ट्रेंजर भी पेडलर के लिए ही यूज किया गया है, वो जो स्ट्रेंजर होता है वो मना कर देता है, और उसके बार बार मना करने के कारण जो आयरन मास्टर है उसे भी हार माननी पड़ती है। और वो वहां पर बैठे हुए ब्लैकस्मिथ से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कैप्टन वोन स्टेल है, कैप्टन वोन स्टेल एक्चुअल में उस आदमी का नाम है जिसे वो समझ रहे थे कि वो पेडलर है, और उनका पूरा नाम था कैप्टन वोन स्टेल नील्स ओलोफ। और वो ब्लैकस्मिथ से ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो कैप्टन वोन स्टेल है वो आज तुम्हारे साथ ही रुकना चाहते हैं। टर्नस्टॉर्म बेसिकली उस ब्लैकस्मिथ का नाम होगा। और ये कहते ही जो आयरन मास्टर है वो पलट जाते हैं और जाने लगते हैं, और जो ब्लैकस्मिथ वहां पर बैठे हुए होते हैं वो हल्का सा हंसते हैं और सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, वो बिल्कुल समझ गए होते हैं कि जैसे आयरन मास्टर गए होते हैं उन्होंने अपने लास्ट वर्ड्स, मतलब जो वो जाते हुए कहते हैं वो नहीं कहे होते हैं, और इसी के कारण वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं और वो वापस जरूर आएंगे। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, और इस चैप्टर के बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू।